दोस्तों ये हीरो की ग्लैमर है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि किक इसका फ्री हो गया और ये गाड़ी चलते चलते बंद हो गई। तो किक मारने पे देख रहे हैं कि इसका जो टाइफिट है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, कुछ ऊपर नीचे नहीं हो रहा, इसका वाल काम नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल से इसका टाइमिंग चेन ही उतर गया होगा, क्योंकि मैगनेट वगैरह घूम रहा है और वाल नहीं अप एंड डाउन कर रहा है। तो यहाँ से तो ठीक ठाक दिख रहा है, स्पॉकेट के पास ठीक ठाक दिख रहा है, यहाँ पर से टाइमिंग चेन उतरा हुआ नहीं है। तो ये सही है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये पीछे से उतर गया है, मैगनेट के साइड से उतर गया, यहाँ पर टाइमिंग चेन चढ़ा हुआ है। तो इसके लिए हमें ये पूरा मैगनेट खोलना पड़ेगा। और चलिए हम इसका चैम्बर खोल लेते हैं, मैगनेट चैम्बर खोल लेते हैं, मैगनेट कवर। ये मैगनेट कवर हमने खोल दिया और ये इसका देख रहे पीछे से टाइमिंग चेन उतर गया है, ये टाइमिंग चेन पीछे से उतर गया है। तो स्पॉकेट जो क्रैंक में स्पॉकेट लगी हुई होती है वहाँ से टाइमिंग चेन बाहर आ गया है, मतलब कि टाइमिंग चेन बहुत ज़्यादा लूज था, देख रहे कितना बाहर आ गया, बहुत ज़्यादा लूज है। तो देख रहे ये पूरा बाहर आ गया है, ये पूरा बाहर आ गया है। चलिए हम इसे गाइड को निकाल लेते हैं, टाइमिंग चेन पूरा बाहर आ गया है, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। हम इस तरह चढ़ा कर भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही रहेगी, तो हम इसे चेंज ही करेंगे। बहुत ज़्यादा लूज है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा लूज नहीं होता है, हल्का फुल्का लूज में ही नहीं चेंज करा लेनी चाहिए। हमने टेंशनर को खोला नहीं है, उसे लॉक भी नहीं किया है। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं और खोल कर इसे न्यू डाल देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंजन से कोई साउंड आता है तो गाड़ी वाले ध्यान नहीं देते, उनका खमियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ता है, रास्ते में गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है। तो ये न्यू टाइमिंग चेन हमने डाल दिया है, ये मैं आपको फोल्ट दिखा रहा था कि किस कारण फोल्ट हुआ था। ये टाइमिंग चेन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी पुराने वाली, ऐसा नहीं कि मेरे वीडियो अपलोड है टाइमिंग चेन चेंज करने का ग्लैमर का, तो मैं आपको ये दिखा रहा था कि ये किस कारण हो रही थी। और ये हमने टाइमिंग चेन पूरा कंप्लीट लगा दिया, अब इसका सारा कैप वगैरह सब लगा देते हैं, मैगनेट मैगनेट कवर वगैरह सारा चीज़ लगा कर हम इसे स्टार्ट करके देखते हैं, क्योंकि ये गाड़ी चलते चलते किक फ्री हो गई थी इसकी, हालांकि वाल वगैरह बैंड नहीं हुआ, अक्सर वाल वगैरह बैंड हो जाता है। तो ये कंप्लीट हो गई गाड़ी, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट हो गई, तो अगर आपकी इंजन से किसी भी तरह का साउंड आ रही है, फिर से स्टार्ट करता हूँ इसे, इंजन पे किसी तरह का साउंड आ रही है इंजन से, तो आप उसे तुरंत चेक करवाएं, नहीं तो आपको उसका ज़्यादा नुकसान हो सकता है या रास्ते में गाड़ी ब्रेक डाउन हो सकती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको इसी टॉपिक पे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।